अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा गया है कि आनंद गिरी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो उनकी तरफ से नहीं लिखवाई गई। एफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया, इसी के साथ किसी को भी नामजद नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुकदमा वापस लेने की भी इच्छा जताई है। दरअसल 20 सितंबर 2021 को श्रीमठ बागम्बरी गद्दी के गेस्ट हाउस के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव लटका हुआ मिला था। पुलिस को कमरे में 9 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आगा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद आनंद गिरी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सरकार ने जाँच CBI को सौंप दी थी। नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या के मामले में CBI ने 20 नवम्बर को 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। CBI की चार्जशीट आनंद गिरी समेत अन्य के खिलाफ है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत अन्य आरोपी नैनी जेल में बंद हैं।